Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will understand the exercise of lesson number 1, our festival. So let's start. A. Tick the correct answer. Number 1. India is a country of many. India एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से. A. Religions. B. Trees. C. Lights. Yes, the correct answer is religions. यानी इंडिया में बहुत से धर्म हैं. Next. Deepavali or Diwali is celebrated in honor of. दिवाली और दीपावली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, किसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं. ए लॉर्ड राम, बी रावण, सी गॉडेस दुर्गा. यस द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड राम. नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं. इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, यानी जब हमें आज़ादी मिली थी. ऑप्शंस आर 26th January, 15th August, 2nd October. यस द करेक्ट आंसर इज 15th August. नेक्स्ट बी राइट द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स. हमें यहाँ पर फेस्टिवल्स की डेट लिखनी है कि वो कब मनाए जाते हैं. ओके नंबर 1 रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं. यस द आंसर इज 26th January. नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं. यस द करेक्ट आंसर इज 15th August. नेक्स्ट गांधी जयंती. गांधी जयंती कब आती है. यस द आंसर इज 2nd October. नेक्स्ट चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे कब आता है. यस द करेक्ट आंसर इज 14th November. नेक्स्ट टीचर्स डे. शिक्षक दिवस कब होता है. करेक्ट आंसर इज 5th September. नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. नंबर 1 दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ डैश. दिवाली को क्या कहा जाता है. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. LIGHTS लाइट्स. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. नेक्स्ट होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ डैश. होली किसका त्यौहार मना होता है. होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. COLORS कलर्स. नेक्स्ट द मुस्लिम्स सेलिब्रेट डैश. मुस्लिम यानी मुसलमान क्या सेलिब्रेट करते हैं. यस द करेक्ट आंसर इज ईद. EID ईद. नेक्स्ट दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज द विक्ट्री ऑफ डैश ओवर डैश. दशहरा किसकी विक्ट्री यानी जीत पर मनाया जाता है. यस करेक्ट आंसर इज गुड ओवर एविल. GOOD गुड. EVIL एविल. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. नंबर 1 दिवाली. दिवाली द करेक्ट आंसर इज स्वीट्स. सो वी विल मैच टू बी. नेक्स्ट ईद. ईद आंसर इज सेवैया. The correct answer is C. Sevaiyan. Next, Guru Parv. Yes, the correct answer is Kada Prasad. D. Number 4, Christmas. The correct answer is Cakes. A. Cakes. Now, E. Answer the following questions. Number 1, name the two kinds of festivals celebrated in India.
कौन से दो तरह के त्यौहार इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं? आंसर इज द टू काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया आर नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। इंडिया में दो तरह के त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, एक होता है नेशनल और दूसरा रिलीजियस यानी धार्मिक त्यौहार। नेक्स्ट, व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल्स, गिव एनी टू एग्जांपल। नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं, कोई भी दो एग्जांपल दें। द आंसर इज नेशनल फेस्टिवल्स आर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट ज़ील बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एग्जांपल, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो पूरे सभी सिटीजन्स पूरे कंट्री के एक साथ मिलकर मनाते हैं। एग्जांपल है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स, गिव एनी टू एग्जांपल्स। रिलीजियस यानी धार्मिक त्यौहार क्या होते हैं, कोई भी दो एग्जांपल दें। आंसर इज रिलीजियस फेस्टिवल्स आर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक रिलीजियन। एग्जांपल, दिवाली, ईद। रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है कि जो त्यौहार कोई भी पीपल अपने स्पेसिफिक रिलीजियन यानी अपने धर्म के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई मुसलमान है तो वो ईद सेलिब्रेट करता है और हिंदू है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लिखेंगे दिवाली और ईद। नाउ यू हैव टू राइट दीज एक्सरसाइजेस इन योर बुक।